हेलो ब्यूटीफुल पेरेंट्स, आप सभी का मोमन गुड में स्वागत है। मैं हूं शर्वरी। आज का हमारा जो टॉपिक है ये अगेन हमारे सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया हुआ है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप आपके लाइफ की पेरेंटहुड जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, अगर आप बेबी प्लान करना चाह रहे हो, आपकी फैमिली बढ़ाना चाह रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो आज के वीडियो वो प्लीज एंड तक देखिए, एंड तक जुड़े रहिए। आज के वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है कि हमें क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है बेबी प्लान करने से पहले। जी हाँ, आज का प्री कंसेप्शन से रिलेटेड हमारा वीडियो है। जब हम कोई भी कपल बेबी प्लान करता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो पहले से ही अपने लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े चेंजेस लाए, ताकि उनको बेबी कंसीव करने में कोई तकलीफ ना हो। यस, आज का वीडियो मैं दो पैरामीटर्स में मेनली डिवाइड करना चाहती हूँ, बिकॉज ये दोनों भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेबी प्लान करने के लिए। सबसे पहला है मेंटल हेल्थ एंड देन फिजिकल हेल्थ। यस, ये दोनों पैरेलल काम करते हैं, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, अगर आपका दिमाग शांत है, आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हो, आप में पॉजिटिव एनर्जी है, तभी आपकी फिजिकल हेल्थ आपको रिस्पॉन्ड करेगी और आप आसानी से बेबी प्लान कर सकते हो। तो मेंटल हेल्थ में हमें कौन सी चीजें देखनी है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज है अपने आप से प्यार करना सीखिए। यस, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप मानेंगे, कोई भी इंसान जितना अपने आप से प्यार करेगा उतना ही वो पॉजिटिविटी से भर जाएगा, उतना ही उसमें एनर्जी आएगी और उसका मेंटली दिमाग शांत रहेगा और वो हर चीज को एक अच्छे नजरिए से देखेगा और खुद भी शांत रहेगा। बिकॉज क्योंकि ये मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे जैसे कपल्स है, उनको एक ऑल रेशियो अगर निकाला जाए तो 75% कपल को इजीली बेबी प्लान होता है, बट 20-25% कपल को बेबी होने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो इस केस में सबसे ज्यादा हमें हमारा मेंटल बैलेंस, हमारा मेंटली पीस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहां से शांत नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी हमें अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुद से प्यार करें। यस, हम जितना खुद से प्यार करेंगे हम उतना ज्यादा खुश रहेंगे, हम उतनी ज्यादा खुशियां हमारे इर्द गिर्द ढूंढेंगे। तो सबसे अच्छा है कि खुद से प्यार करना सीखिए। देन सेकंड इज डी स्ट्रेस योर सेल्फ। हाँ, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मेरे केस में मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया था, बहुत ज्यादा घर वालों को परेशान किया था। उसकी वजह से कुछ नहीं होता, सब डिस्टर्ब होते हैं, हम भी डिस्टर्ब होते हैं। वो सिर्फ हमें दिखाते नहीं है कि वो कितना डिस्टर्ब है हमारी वजह से। बट यस, डी स्ट्रेस योर सेल्फ, हम ये कैसे कर सकते हैं? इसके बहुत सारे तरीके हैं। जाइए वैकेशन पे, जाइए ट्रिप पे, जाइए मूवी देखिए, एंजॉय कीजिए, जो अपने मन को अच्छा लगे वो कीजिए, बट अपना स्ट्रेस से ये रिलीफ कीजिए। जब तक आप स्ट्रेस रिलीज नहीं करेंगे, स्ट्रेस से आप फ्री नहीं होंगे, तब तक के आप में वो एनर्जी नहीं आएगी। देन थर्ड इज टॉक विथ योर पार्टनर। यस, ऑब्वियसली बेबी प्लान कर रहे हैं तो पार्टनर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर्स के साथ बात कीजिए, आपके पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए, जैसे कोई भी कि हम बेबी का नाम क्या रखने वाले हैं, या फिर अगर मैं वर्किंग हूं तो हम उसको डे केयर में रख सकते हैं या नहीं। और आपको अचानक से पता चलेगा कि आपका पार्टनर कहता है कि नहीं, मैं मेरे बेबी को डे केयर में नहीं रखना चाहता। सी, यहाँ पे ही आपको डिफरेंट ऑफ ओपिनियन पता चलेंगे। सो ओपनली अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं होती है। आप जितना ज्यादा बात करेंगे उतने आप दोनों के व्यूज आपको पता चलेंगे, क्योंकि क्या होता है, हम बहुत बार एक माइंडसेट लेके चलते हैं कि हाँ मुझे बेबी होगा, फिर मैं ऐसे ऐसे करूंगी, फिर ऐसे ऐसे होगा और फिर ऐसे ऐसे हम सब मैनेज कर लेंगे। बट अगर आपने आपके पार्टनर के साथ बात की है तब शायद आपको पता चलेगा कि उनके ओपिनियन कुछ अलग है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है। तो ये जरूरी है कि आपस में डिस्कस करें, ताकि ये आपको एक पॉइंट पे आने में हेल्प करेगा। एंड ये आपको जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया है, डी स्ट्रेस, ये भी एक तरीका है। अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए, इसकी वजह से भी आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा रिलीफ होगा और आप दोनों में भी बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी आएगी।
तो ये हुआ मेंटल हेल्थ। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना फिजिकली हमें फिट रहना है उतना ही। चलो अब मूव होते हैं फिजिकल हेल्थ में। फिजिकल हेल्थ में बहुत ज्यादा पैरामीटर्स है। सबसे पहला है मेन इम्पोर्टेंट प्री काउंसिलिंग। जी हाँ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। कैसे है ना, इंडिया में बहुत ज्यादा इतना अवेयरनेस नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट दिखे, हर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है हर एक चीज का। जैसे अगर आप बेबी है, प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी है, तो गायनेकोलॉजिस्ट आपका स्पेशलिस्ट है। इंडिया में ऐसे होता है कि लेडीज जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास फर्स्ट टाइम जब जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। ये बहुत ज्यादा गलत बात है। एक्चुअली गायनेकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? सबसे पहले जब आपके फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होते हैं आपकी शादी से पहले, तब आपके माँ बाप ने आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक्चुअली में लेके जाना चाहिए। आपका पूरा चेकअप होना चाहिए, तभी आपको आपकी हेल्थ पता चलेगी कि कैसे है क्या है। बट इंडिया में इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, अभी भी लोग बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले। शादी से पहले क्यों जाना है डॉक्टर के पास, शादी से पहले क्यों जाना है गायनेकोलॉजिस्ट के पास? ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अवेयरनेस की बात है ये। इसमें कोई झिझक की बात नहीं है, कोई ऑकवर्डनेस की बात नहीं है। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले प्री काउंसिलिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्री काउंसिलिंग में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ओव्यूलेशन हो गया। प्री काउंसिलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है डॉक्टर दोनों के भी चेकअप करते हैं। जितना वाइफ की हेल्थ इम्पोर्टेंट है, उतनी ही हस्बैंड की भी हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है। यस, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना हम अपने लाइफ में एजुकेटेड होते हैं, फिर भी इससे हम अवेयर नहीं होते कि मींस बेबी में अगर कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो फिर वाइफ में ही कुछ प्रॉब्लम होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों भी पार्टनर उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेबी होने के लिए। तो प्री काउंसिलिंग में बहुत सारे पैरामीटर्स है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल, वहां पे दोनों के भी टेस्ट किए जाते हैं। वहां लेडीज की ओव्यूलेशन स्टडी की जाती है। ओव्यूलेशन क्या होता है? लेडी ओवम कब, एग कब रिलीज करती है, एग की साइज क्या क्या होती है, ये बहुत ज्यादा डीप में है, मैं आपको ये बाद में समझाऊंगी। तो सबसे पहले है प्री काउंसिलेशन, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर के पास जाइए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, चेकअप कीजिए। ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देन दूसरा है वेट। यस, वजन, हमारा जो वजन है वो आजकल बहुत सारी लड़कियां बाहर सीखने के लिए बहुत ज्यादा बाहर होती है, जॉब के लिए बाहर होती है। हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें खाते हैं। बट इससे क्या होता है, 80-85% लेडीज जो है वो ओवरवेट है एंड उससे ज्यादा ओबेज है। अगर आप ओवरवेट है तो आपका बीएमआई प्रॉपर नहीं रहेगा। डॉक्टर आपको सबसे पहले आपका वेट कम करने के लिए बोलेंगे। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम हमारा बेबी प्लान कर रहे हैं तो हमें हमारा वजन जो है एक प्रॉपर हेल्दी बीएमआई पे लाना है, ना कि वो बहुत कम हो ना कि वो बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा हुआ तभी कंसीव होने के लिए प्रॉब्लम होगा, और बहुत कम हुआ तभी हमारे में इतनी ज्यादा ताकत नहीं रहेगी हम कि वो बेबी कैरी कर सके। तो एक हेल्दी बीएमआई पे खुद को लाना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ओवरवेट है तो आपको वजन कम करना है, और अगर आप अंडरवेट है तो आपको वजन बढ़ाना है। बीएमआई एक हेल्दी बीएमआई होना चाहिए। देन थर्ड है, जैसे मैंने मेरे डाइट के वीडियो में बोला था कि स्टॉप आपको शराब और सिगरेट ये दोनों चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहना है। ये कंसीव होने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अब एग्जैक्टली ये करता क्या है? स्मोकिंग से क्या होता है, जो एक लेडी हर मंथ उसकी साइकिल होने के बाद जो एग रिलीज करती है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसके साथ ही उसके क्वांटिटी पे भी असर पड़ता है। उसका एग जो है ये खराब क्वांटिटी का बाहर निकलता है। तो हमें स्मोकिंग, अगर हम बेबी प्लान कर रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा पहले ही बंद करनी है। शराब से तो वैसे भी आपको दूर ही रहना है अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो। देन फोर्थ इज यस, प्रोसेस्ड फूड्स। बिकॉज प्रोसेस्ड फूड्स जो है उसकी पैकिंग जो है वो बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज किया जाता है। ये प्लास्टिक हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये प्लास्टिक बेबीज के लिए भी अच्छा नहीं होता, बट ये आफ्टर प्रेगनेंसी की बात हुई, हम अब प्री प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्लास्टिक है ये क्या होता है, हमारा जो खाना होता है उसमें जो पैक्ड
फूड होता है उसमें वो लीक होता है और वो अल्टीमेटली हमारे पेट में जाता है, जो कि हमारे यूटेरस के लिए, हमारे ओवरीज के लिए, हमारी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये प्रोसेस फूड आपको बंद करना है, आपके पेट में प्लास्टिक नहीं जाना चाहिए। देन फिफ्थ इज यस फॉलिक एसिड टैबलेट्स, ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपने उनको बोला कि अब हम बेबी प्लान कर रहे हैं, तो डॉक्टर आपको 3 से 6 महीने पहले ही फॉलिक एसिड टैबलेट्स चालू कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए एंड बिफोर प्रेगनेंसी भी। तो फॉलिक एसिड टैबलेट्स उसके डोजेज है, पर्टिकुलर डोजेज जो है वो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंगली देंगे। यहाँ पे हम डोजेज एज यूजुअल जैसे मैं बोलती हूँ, डोजेज बताना ये हमारा काम नहीं है। तो फॉलिक एसिड टैबलेट्स आप आपके डाइट में शामिल कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन सिक्स्थ इज यस, ये थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लगेगा जो मैं अभी बताऊंगी, वो है डेंटिस्ट विजिट। यस, प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको डेंटिस्ट की विजिट करनी है। ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा सुनने में भी, मुझे भी वियर्ड लगा था जब मैंने मेरा रिसर्च किया था, क्योंकि बिफोर प्रेगनेंसी भी आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, जब आप प्रेग्नेंट रहते हो तभी आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। प्रेगनेंसी में मसूड़ों की बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था, डाइट वीडियो में आप जाइए चेक कीजिए, उसमें मैं बार बार मेरे हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि वो देखिए, बिकॉज डाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रुशियल पार्ट हमारे प्रेगनेंसी के लिए। तो क्या होता है, मसूड़ों की जो तकलीफ है उसमें हमारा जो कैल्शियम है, जो हम प्रेगनेंट हो जाते हैं या बिफोर प्रेगनेंसी हम प्लान करते हैं बेबी, तो हमें कैल्शियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जो नॉर्मल मात्रा है उससे बहुत ज्यादा हमें कैल्शियम सप्लीमेंट डॉक्टर प्रेफर करते ही है। तो मसूड़ों की जो तकलीफ होती है वो कैल्शियम अगर हमारे बॉडी में कम है तो उसकी वजह से होती है। तो डेंटिस्ट के पास जाइए बिफोर, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो बिफोर प्रेगनेंसी, आप डेंटिस्ट के पास जाइए, उनको बोलिए कि हम बेबी प्लान कर रहे हैं, वो आपको उनके हिसाब से मेडिकेशन देंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। देन द सेवंथ इज वैक्सीनेशन। यस, यहाँ पे मैं आपके वैक्सीनेशन की बात कर रही हूँ। अगर आपका टीकाकरण जो बचपन में होता है, हमारे हर एक बेबी के बचपन में होता है, वो अगर आपका पूरा नहीं हुआ है, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये टीकाकरण पूरा करना जरूरी है। जैसे हेपेटाइटिस हो गया और कुछ इम्पोर्टेंट हो गया, ये जो सारे वैक्सीनेशन है ये अपने पूरे नहीं किए हैं, तो इसका कोर्स पूरा कीजिए, क्योंकि आप बेबी प्लान कर रहे हो तो आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तो हमें हमारा वैक्सीनेशन, हमारा खुद का टीकाकरण अगर पूरा नहीं हुआ है तो कर लेना है। देन द एट इज यस एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, मीन्स हमारे वाइफ के फैमिली में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो या फिर हस्बैंड के फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, आपको बीमारी का नाम नहीं पता बट आप घर में देख रहे हो कि कोई ना कोई जेनेटिक मीन्स फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू पेरेंट्स ऐसे चलते आ रहा है, अगर कोई है तो डॉक्टर से प्लीज ये सारे ओपनली बताइए कि हमारे फैमिली में ये डिजीज है, हम बेबी प्लान कर रहे हैं तो उसका हमारे बेबी की क्या असर हो सकता है, इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, हमें क्या केयर करनी है। डॉक्टर से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फैमिली में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो प्लीज उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन द टेंथ इज अगर आप कोई भी मेडिकेशन पे हो, यस अगर आप बिफोर प्रेगनेंसी, जैसे होता है बहुत सारे लेडीज किसी ना किसी तकलीफ की वजह से कोई ना कोई मेडिकेशन पे होते हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि ये मेडिकेशन हम बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये हमारे लिए करेक्ट है, ठीक है लेना कि नहीं है। अगर नहीं है तो डॉक्टर आपको सब्स्टिट्यूट देंगे, और अगर है तो फिर उसके डोजेस कितने क्या है वो डॉक्टर देखेंगे और आपको रिकमेंड करेंगे अच्छे से कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए आप अगर कोई भी मेडिकेशन लेते हैं तो प्लीज डॉक्टर को बताइए, ओपनली बताइए, कोई भी झिझक मत रखिए। एंड दी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन फिजिकल हेल्थ, कि अगर आपको थायराइड है, शुगर है, बीपी है, इनमें से कुछ भी है, आपको वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना है। सी जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वेट, अगर हमारा वेट नॉर्मल है, हम एक हेल्दी बीएमआई पे है, तो ये सारी चीजें अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। बट अगर आप ये ओबेज है, ओवरवेट के साथ ये सारी तकलीफें आती ही है,
बट अगर आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हो, अगर आप अपना वेट प्रॉपर बीएमआई पे ला रहे हो, तो ये चीजें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी, तो आपको बीपी, डायबिटीज या फिर थायराइड, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा आपके लेवल में लानी है, आपको बहुत ज्यादा नॉर्मल रखनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी थायराइड, डायबिटीज और बीपी, ये तीनों होने के चांसेस होते हैं जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती है। मुझे खुद बीपी का प्रॉब्लम हुआ था आफ्टर राघव्स बर्थ, में 6 मंथ बीपी के टैबलेट पे थी बिकॉज मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आपको वेट पे इतना ज्यादा मैं क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका 10 से 15 किलो, कोई कोई का 17 या 20 किलो तक वेट किसी किसी लेडीज का बढ़ जाता है। अगर आप पहले ही ओवरवेट हो, तो आप इतना ज्यादा ओवरवेट हो जाओगे तो वो आपके बेबी के लिए भी ठीक नहीं है और आपके लिए भी ठीक नहीं है, अल्टीमेटली ये सारी बीमारियां आपके पीछे लगी जाएगी। इसलिए मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस है वेट पे। सो दोस्तों, ये थे सारे मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ पैरामीटर्स जो आपके लाइफस्टाइल में आपको चेंजेस करने हैं बिफोर प्लानिंग अ बेबी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन। एज आई सेड यूजुअली, इट्स फॉर मी, ये मुझे मोटिवेशन देगा आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। प्लीज हिट द बेल आइकन, दैट विल गिव यू, मेरे जो फ्यूचर वीडियोस अपलोड होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। अगर आपके पास और कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके अलावा, तो वो सब लोगों को हेल्प करेगी, प्लीज कमेंट। एंड प्लीज दोस्तों, शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्री प्रेगनेंसी हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, बहुत सारी लेडीज इस ट्रबल्स को, इस तकलीफ को फेस करती है। तो प्लीज दोस्तों, बहुत से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिलेगी। एंड आई यू नो व्हाट आई से यूजुअली, प्लीज सब्सक्राइब मॉम ऑन बोर्ड, एंड टिल देन बी ऑन बोर्ड एंड बी इन टच।